हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम डेरिवेटिव करेंगे 2 की पावर cos x। तो देखिए, डेरिवेटिव करते हैं। इसके लिए मैं लेट कर लेता हूँ। लेट वाई इक्वल टू 2 की पावर cos x। तो देखिए, इसको मैंने वाई मान लिया है। अभी लॉग अप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो क्या होगा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग 2 की पावर cos x। अभी मैं यहाँ पर कुछ लॉग की आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, जो आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले ही। लॉग लॉग m की पावर n क्या होता है हमारा, इक्वल टू ये होता है लॉग n लॉग m। ओके, ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 की पावर cos x है, तो cos आगे ले आएंगे हम। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये आइडेंटिटी है लॉग की, और ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम। तो ये क्या होगा, लॉग वाई इक्वल टू cos x इंटू लॉग 2। ओके, तो देखें अभी हम डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ तो यहाँ पर क्या है, लॉग वाई, लॉग लॉग है, तो वाई लॉग का क्या होगा, सबसे पहले 1 अपॉन वाई, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम, तो वाई का dy/dx इक्वल टू, ये लॉग 2 तो कोस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो ये लॉग 2 कोस्टेंट फंक्शन है, ये ऐसे का ऐसे रहेगा यहाँ पर लॉग 2। और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -sin x। इस कोस एक्स का डेरिवेटिव -sin x, और लॉग 2 कोस्टेंट फंक्शन है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। तो dy/dx की क्या वैल्यू है हमारी, dy/dx इक्वल टू, ये यहाँ पर डिवाइड में वाई है, ये इस साइड आ जाएगा, तो ये होगा वाई और लॉग 2, और ये -sin है, ये मैं इसके आगे आगे लिख देता हूँ, ये माइनस का साइन और लॉग 2 sin x। अभी वाई की क्या वैल्यू है हमारी, यही है 2 की पावर cos x, तो ये वैल्यू लिख देते हैं हम dy/dx इक्वल टू -2 की पावर cos x, और इंटू लॉग 2 sin x। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।